Hello, class 12 students. Welcome to the Dabhand Learners channel. Today, we will do the last two principles of uh, Taylor's Principles of Management Cooperation, not individualism, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म तो देखा जाए ये आपका जो सेकंड प्रिंसिपल है ना एक्सटेंशन ही है उसका अब जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें याद होगा जैसे होना भी चाहिए द सेकेंड प्रिंसिपल वॉज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हारमनी होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है देयर शुड बी कम्प्लीट कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म इवन आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स वो क्यों है क्योंकि अगर हर डिपार्टमेंट आइसोलेशन में काम करने लग जाएगा कि उसे सिर्फ अपना अपना काम करना है बाकी से उसे कोई लेना देना ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे क्योंकि सब अपना अपना काम करेंगे बट वहीं अगर सब मिलजुल के काम करेंगे कि चलो मार्केटिंग से ये काम नहीं हो रहा तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट की समझ में ये काम आ रहा है कि चलो हाँ ये मैं कर सकता हूँ अब उनसे नहीं हो रहा है तो क्या करें मेरे ईजी कॉन्टैक्ट्स निकल जाएंगे इससे तो मैं ये काम कर लेता हूँ तो अगर ऐसे कोऑर्डिनेशन में उनका काम हो सकता है तो इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएंगे तो ऐसे ही लेबर और मैनेजमेंट के बीच भी यही होना चाहिए मैनेजमेंट को बॉस ही नहीं होना चाहिए और वर्कर्स को सिर्फ वर्कर्स की तरह ही ट्रीट नहीं करना चाहिए ठीक है इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि सब अपना काम करते घर चले जाएंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए हारमोनी और कॉपरेशन होना चाहिए कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉरपरेशन तो कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कॉपरेशन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए for this management should pay attention to constructive suggestion made by employees they should be rewarded for their suggestion and workers should be taken into confidence when taking decisions वो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉई से सजेशंस मांगनी चाहिए हालांकि उनके सजेशंस टूटे फूटे ही हो टूटे फूटे इन द सेंस कि उनके सजेशंस ऑब्वियसली अप टू द मार्क नहीं होंगे क्योंकि तुम टॉप मैनेजमेंट पे हो ज़रूरी थोड़ी वर्कर्स टॉप मैनेजमेंट पे हो या ना हो ऑब्वियसली वो टॉप मैनेजमेंट में तो है नहीं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे है, तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना तुम्हारे पास है आई मीन मैनेजमेंट के पास है ठीक है तो जिस पोस्ट पे तुम बैठे हो उस पर वर्कर्स हैं नहीं उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके सजेशनस जो होंगे टूटे फूटे ही होंगे इतने एडवांस सजेशन वो नहीं देगा और तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए तो मैनेजमेंट को लेकिन उनके सजेशन सुनने चाहिए और वो जो सजेशन दे रहे हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके हो सकता है वो सजेशन बहुत बेनिफिशियल निकल जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो जो सजेशन दे रहा है उसको थोड़ा अप डाउन करके लाइक uh, like उसमें चेंजेस करके वो सजेशंस को यूज़ करना चाहिए अगर वो बेनिफिशियल है तो दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर दिस सजेशन और सजेशन दिए इसका मतलब ये नहीं कि चलो ठीक है दे दिया ना अच्छी बात है आगे और करना ऐसे नहीं उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए क्योंकि अगर तुम रिवॉर्ड नहीं दोगे और बातों बातों में ही ऐसे एक अल्टा दोगे तो वर्कर्स खुश इतना नहीं होंगे ठीक है वो कहेंगे क्या ही होएगा ज़्यादा से ज़्यादा बस सजेशनस तो ले लेंगे प्रॉफिट जो आएगा वो अपनी जेब में रख लेंगे हमें तो कुछ देंगे नहीं तो वर्कर्स के दिमाग में ये सब आता है तो क्या होना चाहिए मैनेजमेंट को वर्कर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए एंड वर्कर्स शुड बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस वन टेकिंग डिसीजन इससे क्या होगा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा वर्कर्स का मोटिवेशन इंक्रीज होगी ठीक है वो, वो और एफिशिएंटली काम करेंगे वर्कर्स शुड डेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अन रिजनेबल डिमांड्स एंड मैनेजमेंट हाँ कई बार क्या होता है वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर निकल जाते हैं हमारी वेजेस बढ़ाओ हमारे वर्किंग आवर्स कम करो हमें छुट्टी दो ये दो वो दो ये स्ट्राइक पर निकल जाते हैं तो इससे क्या होता है कई बार मैनेजमेंट हाँ भी कर देती है चलो इनकी विशेज़ को कि चलो ये इतने महीनों से मतलब इतने सालों से काम कर रहे हैं इनकी सुन लेते हैं ठीक है एक बार सुन ली लाइक जनवरी में सुन ली ये पाँच साल से काम कर रहे थे और इनके अब तक वेजेस नहीं बढ़ाए इनकी जनवरी में इस साल हमने सुन ली ठीक है अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि मई में, में लाइक नेक्स्ट मंथ ये लोग अलग स्ट्राइक पे उतर जाएंगे कि हम दूसरी स्ट्राइक कर रहे हैं अब हमारे वर्किंग आवर्स भी कम कर दो तो क्या पागल बैठेंगे मैनेजमेंट जो तुम्हारी स्ट्राइक स्ट्राइक की वजह से सारा तुम्हारी सारी विशेज फुलफ़िल कर दे एक काम करो सैलरी बंद कर देते घर पर ही बैठ जाओ तो ये भी नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स अपनी मनमानी करने लग जाए मैनेजमेंट के ऊपर दे शुड डेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अन डिमांड ऑन मैनेजमेंट अनरी डिमांड नहीं रखनी चाहिए मैनेजमेंट के सामने देर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद द वर्कर्स हेल्पिंग इनकरेजिंग विद द वर्कर्स हाँ तो ये वो ये कह रहा है कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स के साथ ठीक है ये नहीं कि वर्कर्स जो है मशीन के आगे हीट में पसीना बहा रहे हैं और जो मैनेजमेंट है वो आराम से एसी में बैठी हुई है ठीक है इसका मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए वर्कर्स का और मैनेजमेंट के बीच मैनेजमेंट के पास भी उतना ही उसे ही उतना ही काम करना चाहिए वर्कर्स को भी उतना ही काम करना चाहिए लाइक किसी के मन में, में डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड मैनेजमेंट को वर्कर्स को वर्कर्स की हेल्प करनी चाहिए साइड बाय साइड उन्हें इंकरेज करना चाहिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए तो इससे क्या होगा वर्कर्स भी मैनेजमेंट के लिए फील करेंगे अच्छा ठीक है ऐसा उन्हें डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे उनके बीच दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है लास्ट प्रिंसिपल डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी हर एक बंदे का हर एक एम्प्लॉई का हर एक इंडिविजुअल का उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक उसका डेवलपमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेलर ईच पर्सन शुड भी साइंटिफिकली सिलेक्टेड देन वर्क शुड भी असाइंड अकॉर्डिंग टू देअर फिजिकल मेंटल एंड इंटलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ दिस इज कैपेबिलिटीज़ हाँ तो वो 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 ये कह रहा है कि टेलर के हिसाब से हर बंदा जो है वो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से सिलेक्ट होना चाहिए और फिर जो वर्क है वो उसकी फिज़िकल मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए या असाइन होना चाहिए टू इंक्रीज एफिशिएंसी इंप्लॉज शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एफिशियंट इम्प्लॉय वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड द वर्कर्स और इम्प्लॉय की जो कैपेबिलिटीज़ है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया फ़िज़िकल मेंटल इंटेलेक्चुअल वो कैसे बढ़ेगी उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी जब उसे ट्रेनिंग दी जाएगी और एफिशिएंट जो एम्प्लॉई है वो हमेशा ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं ज़्यादा कमा पाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है एफिशियसी प्रोस्पेरिटी दोनों के लिए आती है कंपनी के लिए भी और उस वर्कर के लिए भी ठीक है तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा लाइक ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो उसे इनफ ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे वो ज़्यादा अर्न करे वो ज़्यादा एफिशियंट बने ठीक है सो आई होप ये आपको प्रिंसिपल समझ में आए होंगे टेलर्स के सारे साइंटिफिक मैनेजमेंट ही है तभी वो इतना इम्फेसाइज़ कर रहा है कि साइंटिफिकली सिलेक्ट होने चाहिए मेम्बर्स और इम्प्लॉयिज़ ओके सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा चारों प्रिंसिपल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट अप इन द कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड अदर फ्रेंड्स एज वेल एंड I have put my Instagram link in, my, in the description box. You can follow me on Instagram. I will put the study material and the notes of this chapter after I finish it. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.